नमस्कार दोस्तों, आप लोग पहले इस आर्टिकल को देखने से पहले आप लोग एक वीडियो देखिए। वैसे मैंने अपना फेसबुक पेज जो है आपका उस पर अपलोड जरूर कर दिया था, उसे पूरा आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल छोटा सा क्लिप आप लोग देखिए, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। देखिए, इसे आराम से सुनिए। और इस दर्द को मुझे लगता है कि आप लोग अनुभव ना कर सकें, क्योंकि आपने देखा है कि जिसके ऊपर जो एक तरह से घटना बीतती है और जो दुख वो उस पर पड़ता है, वही समझ पाता है उसका दर्द कितना भयानक होता है। लेकिन फिर भी आप लोग अनुभव कीजिए थोड़ा, देखिए। डॉक्टर डॉक्टर चिल्लाते रह गए, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया। क्या चलिए, क्या चलिए, क्या चलिए, क्यों चले, क्या चलिए, यहाँ से आठ साल कई टक्करों में यहीं पर मरे हैं, तड़प तड़प के तड़प तड़प के मरे हैं। यहाँ के लोग इंटरव्यू ले रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं। मैं पापा को वापस कर पाएंगे, मैं पापा को वापस कर पाएंगे, वोट लेने के लिए। एक फोटो और आप लोग देख लीजिए, फिर बात करते हैं हम लोग। ये आपकी स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति है, यानी कि हॉस्पिटल्स की, ठीक है। अब मुझे लगता है, इनको देखकर मुझे लगता है कि जिस हिसाब से आपने वोट किया था और जिस हिसाब से आप लोग चुनाव में अपने जो भी प्रतिनिधित्व करने वाले होते हैं उन्हें जिस हिसाब से चुनते हैं, उस हिसाब से आपको सुविधाएं काफ़ी दे दी हैं उन्होंने। मैं ऐसा किस लिए कह रहा हूँ कि आप समझिए, आप लोग चुनाव किस तरीके से करते हैं, वोट किस तरीके से डालते हैं, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर। और आप समझिए, आपने कभी नहीं, शिक्षा के नाम पर आप लोगों ने कभी वोट नहीं डाला, आप लोगों ने स्वास्थ्य व्यवस्था के ऊपर कभी वोट नहीं डाला, उसी का परिणाम आज हम लोग भुगत रहे हैं। वो बड़ी अच्छी कहावत है कि हम लोग जो बोएंगे वही काटेंगे। आप समझिए कि अगर हमारे यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था होती, हमने हॉस्पिटलों की मांग की होती, हमें मंदिर मस्जिद से को छोड़कर हमें मंदिरों, एक तरह से आप कह सकते हैं कि हॉस्पिटल की अगर मांग की होती हम लोगों ने, तो शायद ये स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति ना होती। आप समझ रहे हैं कि लोगों के पास, लोगों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर भी नहीं मिल रहा है, कई हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, और बेड की स्थिति आप लोगों ने इस फोटो में देख भी ली होगी। और उससे पहले आप लोगों ने जो वीडियो देखा है ना छोटा सा, आपको मालूम होना चाहिए कि एक स्वास्थ्य मंत्री के सामने ये घटना घटी हुई है, और स्वास्थ्य मंत्री ने भी खुद माना है कि हॉस्पिटल की समस्या, मतलब जो भी सुविधाएं हैं, बद से बदतर है। इसलिए मैं कह रहा हूं बार बार कि आपको सुरक्षा अपनी खुद करनी है, और अपनी करनी है और अपने परिवार की करनी है। क्योंकि देखिए, अगर हमें या आपको कुछ होता है तो इसका फर्क सिर्फ सिर्फ आपके परिवार को ही पड़ेगा, और बाकी आप किसी के अंधभक्त हैं, किसी के गुलाम हैं, किसी नेता के कितने भी बड़े भक्त हों, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जैसे उनके लिए मरने के लिए हजार खड़े हुए हैं, इस गलतफहमी में आप लोग मत रहे, समझ में आए। और आप समझिए कि अगर आपको कुछ होता है तो आपके परिवार पर क्या बीतेगा, ये आपको सोचना होगा। और नेताओं की क्या स्थिति है आप लोग समझ सकते हैं कि नेताओं को जनता से कोई मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ चुनाव से मतलब है। आपने देखा है पिछले लॉकडाउन में भी, आपने देखा है कि कितनी बुरी स्थिति, कितनी त्रासदी झेली है जनता ने। और नेता क्या कर रहे थे, नेता महाभारत रामायण देख रहे थे घर में बैठ के। मैं इतना कह सकता हूं कि इस समय अगर भगवान श्री राम होते तो मुझे लगता है कि कभी घर में बैठ के इस तरह की प्रोग्राम ना देख रहे होते, कम से कम वो रोड रोड पर जाकर मदद तो किए होते। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप समझिए कि एक व्यक्ति अगर करोड़ों लोगों की मदद कर सकता है, सोनू सूद की बात कर रहा हूं मैं, लाखों लोगों की मदद कर सकता है, तो क्या एक विधायक इतने लोगों की मदद नहीं कर सकता था, अपनी जो भी उसकी विधानसभा क्षेत्र है उन लोगों की मदद नहीं कर सकता था क्या? सांसद यानी कि लोकसभा हो या राज्यसभा सदस्य हो, वो लोग आपकी मदद नहीं कर सकते थे? नेता किसी का नहीं है। वो बड़ी अच्छी कहावत है कि नेता अपने बाप का नहीं होता है तो तुम्हारा क्या होगा, इस बात को आप लोग समझ लीजिए। और शायद ना समझे तो देखिए, आज इनकी बारी है, कल हमारी बारी होगी, परसों आपकी बारी होगी, कोई बचने वाला नहीं। अगर आपको लगता है कि इस तरह की व्यवस्था से अगर बच जाए, इसका असर सब पर पड़ता है। वो बड़ी अच्छी एक और कहावत है, आपने सुनी होगी कि जब जंगल में आग लगती है तो वो बरगद, एक तरह से आप समझ सकते हैं कि बरगद जो हवा देता है वो भी जल के राख हो जाता है,
और जो बांस आपने देखा होगा कि जो आग उसके रगड़ने से जो आग उत्पन्न होती है, जो आग लगाता है वो भी जलकर खाक हो जाता है। तो यानी कि इस तरह के वोट अगर आप लोगों ने किए हैं तो जनता तो मरेगी, गरीब तो मर ही रहा है, साथ में वो लोग भी मरेंगे जो सोचते हैं कि हम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खैर छोड़िए, आप लोग इस आर्टिकल को लिखने का मुझे ऐसा लगता है कि क्या उद्देश्य है इनका, किस तरह पे ये उंगली कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि आप लोग कहते हैं कि जब देश में इतना बुरा हो रहा है तो इतनी सारी संस्थाएं ये चुप क्यों बैठी हुई हैं। तो इसमें उन्होंने कहा है कि गंधारी और भीष्म की भूमिका में चुनाव, भीष्म पितामह के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि जब द्रौपदी का चीरहनन होता है, द्रौपदी का चीरहनन होता है तो जो भीष्म पितामह थे वो सामने बैठे हुए चुपचाप तमाशा देखते रह गए। यानी कि आपका कहने का मतलब है कि पावर के आगे कोई नहीं बोल सकता है, कितना भी गलत है सामने वाला, अगर उसके पास शक्ति है, उसके पास पावर है, तो आप चाह कर भी कुछ नहीं बोल सकते। वो बोलेगा ये सही है तो आप बोल देंगे यही सही है, तो यही चल रहा है और ये हकीकत है। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है, ना अभी इस सरकार की मैं बात कर रहा हूं, इस सरकार से पहले आप देख सकिए जितनी भी सरकारें रही हैं संस्थाओं का उन्होंने दुरुपयोग किया है, सीबीआई का उन्होंने दुरुपयोग किया है, इनकम टैक्स का उन्होंने दुरुपयोग किया है। और आप लोग इंदिरा गांधी के समय चले जाइए, जब आपका राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था तब आपने देखा है किस तरह से लोगों को जेल में ठूंसा गया, आपने देखा है कि राज्यपालों का दुरुपयोग किया गया, कई सरकारों को भंग कर दिया गया, राज्य सरकारों को। तो देखिए इनका, देखिए डायरेक्ट नहीं कह सकते आप लोग, लेकिन इनडायरेक्ट इनका झुकाव सत्ता पार्टी की तरफ रहता है। ठीक है, ये आप लोग देखिए हकीकत है, इसमें कोई दोहरा नहीं। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग जाके कहीं आंसर छाप दें, आंसर राइटिंग करने में मतलब एक अलग बात हो जाती है, वहां आप लोगों को बड़ा बैलेंस बना के लिखना पड़ता है, लेकिन यहाँ हकीकत की, एक तरह से दुनिया की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें आप लोग देख लीजिए इस आर्टिकल को, और याद रखिए आपका दैनिक भास्कर में निकला हुआ था आज ही। ठीक है, तो ये बिराग गुप्ता द्वारा लिखा गया है, सुप्रीम कोर्ट के वकील है और अनमास्किंग की बीआईपी पुस्तक के लेखक भी है। ठीक है, कोरोना महामारी की सुनामी से पूरे देश की तबाही के बावजूद चुनावी रैलियां और रोड शो सोच का खेला जारी है। आप देख रहे हैं कि आपके पेपर भी कई कैंसिल करवा दिए गए हैं, समझ रहे हैं आप लोग, लेकिन आपने देखा है कि चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। और आप लोग ये भी देख रहे होंगे कि चुनाव में अच्छी खासी भीड़ उमड़ रही है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है, कोई मास्क, कोई सेफ्टी नहीं रखी जा रही है। आप छोड़िए उनकी जनता की, छोड़िए आप लोग नेता भी कोई सेफ्टी नहीं रखे हुए हैं। और एक बात आप लोगों को जान लेना चाहिए कि मान लीजिए कि आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, आप जिस तरह के काम करते हैं उसका असर छोटे बच्चे पर पड़ता है, तो नेता अगर नियम का, कानूनों का पालन करते तो जनता जरूर करती, समझ रहे हैं आप लोग। और पुलिस को आप लोग जानते ही हैं कि कोई नेता अगर बिना मास्क के चला जाए, कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग पालन ना करे, कोई नियम कानून का पालन ना करे, तो उन्हें हाथ जोड़ते हैं। और दूसरी तरफ आपने देखा होगा कई ऐसी घटनाएं आई हैं कि कोई मास्क अगर नाक से थोड़ा नीचे हो गया तो उसमें डंडे बरसाए जा रहे थे, तो ये दुर्भाग्य कह सकते हैं आप अपने देश का। ठीक है, इसमें आप देखेंगे आम जनता की सेहत सेहत रोजगार व व्यापार की कमर टूटने के बाद उनकी जमा पूंजी जुर्माने और जमानत का जमानत पर कुर्बान हो रही है। किनकी? आम जनता की बात की जा रही है, क्योंकि आपने देखा है कहीं 2000 रुपये जुर्माना लगाया जा रहा है, और आप समझ सकते हैं कि किस तरह से वो, उनके पास इतनी पूंजी नहीं है कि वो बैठ के खा सकें कुछ लंबे समय तक। एक आप लोग रेडी या आम जो रिक्शा होता है, ई रिक्शा, इस तरह के रिक्शा चालक होते हैं, उनके बारे में सोच सकते हैं कि अपना डेली का कमाना रहता था और डेली का खाना रहता था, लेकिन आपने देखा है कि पिछले 1 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है, क्या स्थिति बनी हुई है आप बेहतर जानते हैं, और सरकार की मदद आपको लोगों को मालूम है कि कितनी मदद कहां तक पहुंची है। वो मैं देख रहा था कहीं किसी ने अच्छा लिखा है कि लॉकडाउन लगाना हो तो लगा देना, लेकिन 20 लाख मत देना, 20 लाख करोड़ मत देना, क्योंकि मालूम ही नहीं चले कि कहां मिले, किसे मिले, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना होगा। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कानून के इस दोहरेपन को 60 साल पहले भापते हुए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि भारत में सत्ता व समाज की मूल प्रवृत्ति अलोकतांत्रिक बनी हुई है। भले आपने देखा है कि आप लोगों को कितने भी अधिकार दे दिए गए हों, लेकिन अभी भी आप लोगों उन अधिकारों का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है,
आप देखते हैं कि आपको बोलने की स्वतंत्रता दी गई है, आपको एक तरह से घूमने फिरने की स्वतंत्रता की गई है। अभी आप लोग कुछ बोल के दिखाइए, आप लोग अगर कोई आप लोगों को परेशान कर रहा है उसके खिलाफ बोल के दिखाइए, आपको या तो पुलिस के द्वारा प्रताड़ित किया जाएगा या कुछ और करवा दिया जाएगा। तो कहने के लिए एक तरह से आप कह सकते हैं कि आपको मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, ठीक है। और इसमें देखेंगे कोरोना से रोकथाम के लिए मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे उपायों पर केंद्र सरकार के साथ चुनाव आयोग का भी गाइडलाइंस है, यानी कि नियम बनाए हुए हैं, लेकिन कहीं कोई पालन नहीं हो रहा है, ठीक है। और आप देखिए इस तरह की, अगर आपको जानना है कि हमारे देश में कितना स्वतंत्रता है, कितना लोकतंत्र है, तो आप लोग इंडेक्स भी तो निकलते हैं, कई सूचकांक निकलते हैं, उसमें आप लोग देखते हैं कि हमारा नीचे से टॉप कर रहे होते हैं हम लोग, तो ये भी आप लोग देख सकते हैं। लेकिन चुनावी राज्यों में सभी पार्टियों की रैलियों और रोड शो में स्टार प्रचारकों, प्रत्याशियों और समर्थकों की भीड़ द्वारा डंके की चोट पर कानून को धत्ता बताया जा रहा है। और चुनावी रैली और रोड शो में भाग लेने वाले नेता पूरे देश में कोरोना की सबसे बड़े वाहक बन गए हैं। चुनावी रैलियों में नेताओं की गुनहगारी साबित करने के लिए लाइव टीवी के फुटेज का भंडार होने के बावजूद उनका बाल बांका नहीं होता है। और ये याद रखिए, ये क्या किस तरह दिशा में बता देती है एक तरह से कि नियम कानून जो होते हैं ये मध्यम परिवार और गरीब परिवारों के लिए होते हैं, नेताओं के लिए कोई नियम कानून नहीं होते हैं। इसकी धज्जियां वो लोग खुद उड़ाते हैं। और आप लोग चुनाव में देख भी रहे होंगे कि हमारे जो चुनाव आयोग है इसने भी कई तरह के नियम निर्धारित किए हुए हैं, लेकिन कहीं कोई पालन नहीं हो रहा है, समझ रहे हैं आप लोग। और दूसरी तरफ मैंने बताया ना कि आप लोग थोड़ा भी अगर मास्क नीचे हो जाए नाक से तो डंडे, लाठियां, चालान होने लगता है, जुर्माना लगने लगता है, तो आप समझ सकते हैं। और दूसरी तरफ आप देखिए, ऐसा नहीं है कि चुनाव में आप समझ सकते हैं कि कोरोना ना फैल रहा हो, या फिर आप कहिए कि जहां चुनाव है वहां कोरोना ना जा रहा हो। कोरोना बराबर है, बस टेस्टिंग आप समझ सकते हैं कि वहां ना के बराबर है। मेरा कहने का मतलब है कि मेरे शरीर में कितनी बीमारियां हैं ये तो तभी पता चलेगा ना जब मैं इसका मतलब आप कह सकते हैं कि टेस्टिंग करवाऊं। तो यही हाल चुनावी राज्यों में भरा पड़ा हुआ है। और उसके बाद चुनाव खत्म होने के बाद उन्हें क्या लेना देना, मरते रहे, क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है। और याद रखिए, अभी तो आपने देखा है कई फुटेज ऐसे भी आ रहे हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था में क्या स्थिति बढ़ी हुई है, बेड नहीं मिल रहे हैं। तो कम से कम होने, कोरोना होने से अच्छा है कि ना हो, उससे पहले ही सेफ्टी रख लें अपने। लेकिन दिल्ली की सड़कों में सिविल वॉलेंटियर्स मोबाइल फोन से फोटो खींचकर आम जनता को दहलाने का काम पूरी तत्परता से कर रहे हैं। बात बात पर चुनाव आयोग को ललकारने वाले विपक्षी नेता भी इस मामले पर चुनाव आयोग से सवाल नहीं कर रहे हैं। लगता है सभी नेता कोरोना की चुनावी कटघरे में गुनहगार के तौर पर चुनाव आयोग की तरह कंपाइट है, यानी कि मिले जुले हुए हैं, कंपोमाइज्ड है, ठीक है। और एक बात और आप लोगों को याद होना चाहिए कि विपक्ष तो है ही नहीं है, विपक्ष आपको दिखाई दे रहा है कुछ भी गलत होता है, कुछ है, कोई विपक्ष नहीं है। एक तरफ आपने देखा है कि कई महीनों से किसान दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हुए, 300-400 के करीब किसानों की डेथ भी हो चुकी है, उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। देखिए इसका मतलब एक कहता ही नहीं होता है कि आपको पूर्ण बहुमत मिला हुआ है, अच्छी खासी संख्या मिली हुई है, तो आप लोगों की सुनना बंद कर दें, समझ रहे हैं आप लोग। देखिए इंदिरा गांधी, राजीव गांधी का कभी इतिहास आप लोग पढ़िए, मोदी कोई अकेले नहीं है कि इन्हें कोई बीजेपी को इस बार बहुमत पूर्ण मिल चुका हो, इससे तगड़ा कांग्रेस को बहुमत मिला हुआ है और हारने में कोई देरी नहीं लगती है। यही जनता आप देखिए जो धर्म के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट दे रहा है, यही काम के नाम पर वोट देने लग जाए, काम खत्म हो जाएगा अगली बार से। और दिल्ली में आप लोगों ने देख भी तो लिया था दिल्ली में क्या स्थिति रही है, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री जहां बीजेपी है वो भी प्रचार कर रहे थे, गृहमंत्री आप देख रहे थे गली गली जा रहे थे, फिर भी आप समझ सकते हैं दिल्ली का चुनाव नहीं जीता सका। और मैंने तो अपने मतलब जिंदगी में पहली बार है कोई ऐसा सीएम देखा है, ऐसा व्यक्ति देखा है जो कह रहा था कि अगर मैंने वोट दिया हो तभी मैंने काम किया हो तभी मुझे वोट देना, समझ रहे हैं। और जनता ने उसे चुना भी है, और आप लोग हकीकत भी है, दिल्ली की स्थिति आप जानते हैं कि स्कूलों की हालत कितनी अच्छी है, प्राइवेट स्कूलों से बेहतर रिजल्ट दे रहे हैं सरकारी स्कूल, और स्वास्थ्य व्यवस्था आप समझ सकते हैं कि दिल्ली की काफ़ी अच्छी है बाकी राज्यों की तुलना में।
और एक आम व्यक्ति को, गरीब आदमी को क्या चाहिए? स्वास्थ्य व्यवस्था मिल जाए और उसके बच्चों को शिक्षा मिल जाए, क्योंकि यही दो तो सबसे खर्चीले हैं काम, समझ रहे हैं आप लोग। कोरोना काल में वीआईपी और आम जनता पर कानून लागू करने के दो प्रमाणों से जाहिर है कि भारत में एक देश दो विधान को अधिकृत मान्यता मिल गई है। आम जनता की शिक्षा, रोजगार, आवागमन आदि संवैधानिक अधिकारों को कोरोना रोकने के नाम पर मनमाने तरीके से खत्म किया जा रहा है, तो फिर नेताओं को वीआईपी ट्रीटमेंट मिलना कितना सही है। और आप लोगों को ये भी बता दो, इतना समझ लीजिए कि अगर हमें कोरोना होता है तो कोई बहुत अच्छी, बहुत मेरी अगर किस्मत सही हुई तो कोई सरकारी हॉस्पिटल का बेड मिल जाए, बहुत बड़ी बात है। और उनके लिए वीआईपी ट्रीटमेंट रहेगा, वीआईपी हॉस्पिटल रहेंगे, वीआईपी डॉक्टर रहेंगे, तो उनके चक्कर में आप लोग मत पड़िए, ठीक है। पिछले आम चुनावों के पहले प्रकाशित मेरी पुस्तक इलेक्शन ऑन रोड्स में विस्तार से बताया गया है, ये कौन कह रहे हैं, ये लेखक कह रहे हैं, ठीक है, कि रोड शो का नया सिस्टम नियम विरुद्ध और गैरकानूनी भी है। कोरोना काल में इन रोड शोज में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन नहीं होने से चुनाव की नियामक व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। मास्क नहीं पहनने वाले नेता और लाखों लोगों की भीड़ के आयोजन की जिम्मेदार पार्टियों से आम जनता की तर्ज पर भारी जुर्माना वसूला जाए तो देश की अर्थव्यवस्था वी शेप की रूट से जल्द उभर जाएगी। और आप लोगों को एक और बात बताऊं, समझ रहे, देखिए अगर ऐसा नहीं है कि चुनाव रोक दिया जाता तो कोई भारी विपदा आ जाती, ठीक है, मान लीजिए कि आपको चुनाव करवाना ही था तो आप क्या कर सकते थे? इस तरह से आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवा सकते थे कि आप लोग एक तरह से डिजिटल रैलियां भी कर सकते थे, समझ रहे हैं आप लोग, इस तरह के साधन आप लोग आराम से अपना सकते थे, लेकिन आपने देखा है क्या स्थिति रही है, आप जानते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी डॉक्टर विक्रम सिंह मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के सामने चुनाव ने अब दलील देते हुए कहा है कि कोरोना नियमों को लागू करने के लिए स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी है। अगर यह दलील आगे बढ़ती तो चुनाव आयोग के असीमित अधिकारों के पंखी कट जाते, इसलिए अगली सुनवाई के बाद चुनाव आयोग ने सभी पार्टियों को चिट्ठी लिखकर अपने कर्तव्य की इत्तिसरी कर ली। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि सड़क पर बगैर मास्क के अगर कोई व्यक्ति मिला तो पुलिस के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई होगी। और कोलकाता हाईकोर्ट ने भी नेताओं और अफसरों को तगड़ी फटकार लगाई है, लेकिन इन पर असर पड़े तब तो, मैंने सुना है, कहीं मैं पढ़ रहा था कि अच्छा नेता बनने के लिए सबसे पहले बेशरम होना जरूरी है, भ्रष्टाचारी होना जरूरी है। तो आप सुप्रीम कोर्ट चिल्लाता रहे, चुनाव आयोग चिल्लाता रहे, इन पर असर थोड़ी पड़ेगा। और उन वो तो यही सोच के एक तरह से आप समझ सकते हैं कि कितनी, इतनी जनता है, 135 करोड़ जनसंख्या है, कितनी मरेगी, मरने दो, उनका यही सोचना है, ठीक है। लेकिन याद रखिए, एक व्यक्ति के मरने से कितना दर्द होता है, कितना असर पड़ता है, वही परिवार समझ सकता है जिसके परिवार से कोई मेंबर की डेथ हुई हो। हम, आप या नेता, कोई नहीं समझ सकता उस दर्द को, समझ रहे, हमारे लिए सिर्फ तमाशा रहता है। तो ये आप लोगों को खुद देखना है कि सेफ्टी रखिए, बार बार मैं बोल रहा हूं, इसका असर सिर्फ परिवार पर पड़ता है, आपके चाहनों पर, ये चाहने वाले ही इसके भुगतते हैं, उन्हीं को दुख होता है और किसी को भी नहीं। पर चुनाव आयोग कुंभकर्णी या कि नहीं कि कुंभकर्ण, आप रामायण देखिए ना, नींद का स्वांग करते हुए खामोश है। चुनावी रैलियों और रोड शो में कोरोना कानून के बेरोक टोक उल्लंघन से साफ है कि चुनाव आयोग अब भी इसमें पिता माँ के साथ गंधारी की भी भूमिका निभा रहा है। यानी कि देखिए, गंधारी आप जानते हैं कि ये जो आपके धृतराष्ट्र थे ना, उनकी बीवी थी, लेकिन ये याद रखिए अंधी नहीं थी, आपको मालूम होना चाहिए कि इन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी काली, कि देखना बंद कर दिया था। तो वही हाल है कि यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अब देखना, एक आपके चुनाव आयोग ने भी देखना ही बंद कर दिया है कि जो हो रहा है होने दीजिए, ठीक है। संविधान में आम जनता के लिए देखे गए कल्याणकारी राज्य के सपनों को साकार करने के लिए अब चुनाव को विदुर की तरह ठोस बर्ताव करने की जरूरत है। वीआईपी लोगों पर अदालतों की छूट और चुप्पी के बीच आम जनता पर पुलिस प्रशासन की बर्बरता से संवैधानिक व्यवस्था का पाखंड बेनकाब होने के साथ लोगों में भारी बेचैनी है।
और क्या कोरोना सिर्फ रात में सफर करता है, जिसका प्रकोप नाइट कर्फ्यू से रुक जाएगा। बीआईपी नेताओं की तुलना में मजदूर, किसान और छात्रों को कोरोना से ज्यादा खतरा कैसे है? और एक बात आप लोगों ने देखा होगा, कुछ दिनों पहले आपने देखा है कि किस तरह से किसी इंदौर में, आपने मध्य प्रदेश का एक शहर है इंदौर, वहाँ आपने देखा है कि एक बाप पर किस तरह से लाठियां भांजी जा रही हैं पुलिस के द्वारा, और उसका बेटा चिल्ला रहा है एक तरह से, तो आप समझ रहे हैं। और एक तरफ आप देखिए कि नेताओं की, देखिए कि नेता अगर बिना मास्क के क्या कुछ ना लगा जाए तब भी सलूट देते रहते हैं, तो ये हालत बनी हुई है। आगे है टीएमसी, बीजेपी और कांग्रेस के रोड शो के खेला के दौर में कार की अकेली सवारी के मास्क लगाने से कोरोना कैसे रोकेगा? और कोरोना पॉजिटिव होने वाले 95% लोगों को बीमारी का लक्षण नहीं, तो फिर इतना पैनिक क्यों है? दो डोज वैक्सीन लगवाने वालों को भी कोरोना हो रहा है, और तो फिर लॉकडाउन लगाने का क्या फायदा? कुंभ के शाही स्नान से कोई अड़चन नहीं, तो फिर मास्क नहीं पहनने वाले बेबस लाचार जनता की गिरफ्तारी क्यों? एक तरफ आप देख रहे हैं कि जिसे एक तरह से वैक्सीन लग चुकी है उन्हें भी आप देखिए कोरोना दोबारा हो रहा है, ठीक है? तो और ये स्वाभाविक सी बात है कि आप जानिए कि कोई भी वैक्सीन 100% इफेक्टिव नहीं होती है, ये आप लोगों को हमेशा याद रखनी चाहिए, किसी भी वायरस की हो, किसी भी बीमारी की हो, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए। दूसरी, आपने देखा है कि कुंभ स्नान जो चल रहा है, यहाँ भी काफ़ी संख्या में आप कह सकते हैं कि एक तरह से कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ भी आप लोग देखिए, अगर आप लोगों को जाना, वैसे तो मत जाइए, अभी घर से निकलिए ही मत, अगर जाना है तो पूरी सेफ्टी के साथ निकलिए, ठीक है? क्योंकि उनके पास, उनका किस्मत अच्छी है नेताओं की, कि उन्हें तो आप समझिए कि वैक्सीन आराम से मिल जाएगी, दवा जो भी रहेगी, व्यवस्था रहेगी, उन्हें आराम से मिल जाएगी, लेकिन हम तक, आप तक पहुंच पाना बड़ा मुश्किल है, ठीक है? उसके बाद आप देखेंगे, दफ्तर हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, कोर्ट, जब सब कुछ वर्चुअल है तो फिर उसी तर्ज पर चुनावी रैलियां क्यों नहीं हो सकती हैं? आप देख रहे हैं कि आपकी स्कूल है, जो आपकी कोचिंग है, ये सभी आपकी वर्चुअल, मतलब आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो रही है, बड़ी बड़ी सबमिट भी हो रही है, कोर्ट के आप देख रहे हैं कि कुछ जो भी काम है वो भी चल रहे हैं, तो क्या चुनावी रैलियां इस तरह नहीं हो सकती थी? हो सकती थी, लेकिन आप देख रहे हैं कि कहां वोट कहां फेंक पाते, कहां झूठ बोल पाते, क्या कर पाते, किस तरह जनता को लुभा पाते। एक पिछले साल के लॉकडाउन में धारा 188 आदि के बेजा इस्तेमाल से लाखों मुकदमे दर्ज करने वाली सरकारें अब उन्हें वापस लेने के नाम पर विज्ञापनों से खुद की पीठ थपथपा रही हैं। और कोरोना के दूसरे दौर में फिर से गलत मुकदमे और जुर्माना लगाने वाली सरकारों अधिकारियों को दंड कैसे मिलेगा? चुनाव आयोग गंधारी की तरह भले ही आंखों पर पट्टी बांधकर चुप रहे, समाजशास्त्री, वैज्ञानिक, मीडिया, सरकार, संसद और अदालतों को आगे चलकर इस सारे सवालों का जवाब देना ही पड़ेगा, और आज नहीं देना पड़ेगा तो आप समझिए इतिहास पूछेगा। और याद रखिए, जो आप जानते हैं कि आज की जो भी घटना घटेगी, आपने जो भी कर्म किया हुआ है, जो भी चल रहा है, इस सब का इतिहास लिखा जाएगा और इतिहास में मूल्यांकन किया जाएगा, इस समय की घटना होगा कि क्या सही था, क्या गलत था, कितना शक्तिशाली सुप्रीम कोर्ट था, कितना शक्तिशाली आपका एक तरह से चुनाव आयोग था, मीडिया की स्थिति क्या थी, लोगों की स्थिति क्या थी, नेताओं की स्थिति क्या थी। क्योंकि आप आज से आप लोग चले जाइए, आप लोग अंग्रेजों के समय, आपने देखा होगा कि सिंधिया का नाम आप लोग सुनते हैं, रानी लक्ष्मीबाई के साथ आपने देखा है कि उन्हें धोखे से एक तरह से मरवा दिया गया था, रानी लक्ष्मीबाई को। उस समय भली आपने अपना साम्राज्य बचा लिया हो, लेकिन आज आप लोग इतिहास की कोई स्पेशल बुक्स उठा के देखते हैं तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि सिंधिया गद्दार था। देखिए, इसलिए बोल रहा हूं कि आज शायद आप लोग मतलब झूठ बोल के या लीपापोती करके कुछ भी बच जाए, प्रधानमंत्री झूठ बोल दें या कोई भी नेता झूठ बोल दें, लेकिन इतिहास में जरूर मूल्यांकन होता है, और उस समय मूल्यांकन करने वाले आप समझिए झूठ या बिकने वाले नहीं होते, समझ रहे हैं आप लोग? आज शायद हम लोग किसी की आवाज को दबा सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में आवाज दबाने के लिए कुछ नहीं रहेगा हमारे पास, तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि क्या स्थिति सही थी, क्या किन्होंने क्या किया है, कितना विकास किया हुआ है, कितना क्या हुआ है।
लेकिन मैं अभी भी देखिए नेताओं से ज़्यादा जिम्मेदार इस सभी महामारी के लिए लोगों को मानता हूँ, आम जनता को मानता हूँ, क्योंकि आपने जो बोया है वही तो काट रहे हैं, इसमें शक क्या है। आप देखिए आपने चुनाव एक तरह से आपने वोट किस नाम पर दिए थे और आप देख रहे हैं कि उसी का काम कर रहे हैं वो लोग। एक तरह से आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि आप समझिए आप किसी बलात्कारी को चुनेंगे, आप किसी मर्डर के मतलब आप हत्यारी को चुनेंगे, डकैत को चुनेंगे, तो उससे उम्मीद क्या कर सकते हैं आप लोग, उससे कोई अच्छे काम के लिए उम्मीद भी मत कर सकते, करिए भी मत। और मुझे लगता है वही उससे काम होंगे जो उसने जिंदगी भर करता है। और आप देखिए आपकी लोकसभा हो या राज्य विधानसभा हो या फिर आपका लोकल बॉडी का जो भी स्थानीय चुनाव हो, उनमें अधिकतर इस तरह के लोग भरे पड़े हुए, तो वो कहाँ से काम करेंगे। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि इसमें नेगेटिविटी बहुत दिखाई गई है आप लोग को, लोग एक तरह से लगता होगा, लेकिन ये हकीकत है इस समय की। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आंसर लिखना, आंसर राइटिंग करना या कहीं बोलना न्यूट्रल होकर अलग बात है, उससे जोड़कर इसे बिल्कुल भी मत देखें आप लोग। लेकिन ये अभी जो चल रहा है उसकी हकीकत बयां कर रहा है, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको लगता है कि सही हो रहा है जो भी हो रहा है, तो एक बार उस वीडियो को आप लोग 2 से 3 बार आप लोग सुनिए, उस लड़की की जगह अपने आप को रख कर देखिए। मुझे नहीं, मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूं कि किसी के साथ इस तरह की घटना ना घटे, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि सब तमाशा चल रहा है तो आप उस जगह जरूर रख के देखिए अपने आप को। खैर छोड़िए, अभी भी फिर से बोल रहा हूं कि आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। देखिए अगर आपको कुछ होता है तो कोई किसी भी खास नेता के आप कितने भी खास हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उन्हें। अरे वो जब अपने बाप के मरने पर नहीं रोते, आप सुनते रहते हैं कि एक नेता ने अपने दूसरे बाप को अपने राजनीति में आने के लिए बाप को धकेल दिया, ऐसा कर दिया वैसा, तो वो आपके क्या होंगे। परिवार को संभालिए और अच्छे से रहिए और आगे से ध्यान दीजिए अपने बच्चों का भविष्य। वोट देते समय कम से कम देख तो लेना चाहिए कि आगे आपकी समस्या आ रही है, कोई मुसीबत खड़ी हुई है तो आपके साथ आपके नेताजी खड़े हुए हैं या छुप चुके हैं। और हर राज्य की यही स्थिति बनी हुई है, कोई ये मत सोचे कि हमारा राज्य ठीक है। उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, बिहार में आप देख रहे हैं किस तरह की स्थिति बनी हुई है, मध्य प्रदेश में आप लोग देख लीजिए किस तरह की स्थिति बनी हुई है। और सब ने इसमें योगदान सभी नेताओं का है, एक तरह से आप कोरोना को दूसरी लहर को लाने में एक तरह से काफ़ी कंट्रोल हो चुका था और वहाँ आप लोग कोई व्यवस्था कर लेते। और इसी तरह आपने देखा है कि लॉकडाउन लगाने के कारण किस तरह से त्रासदी झेली। लॉकडाउन लगाना अच्छा था लेकिन कुछ समय तो मिलता, आप समझिए कि जितने लोग चल के आए उनमें से आपने देखा है कितने लोगों की डेथ हुई, तो कुछ टाइम मिलना चाहिए था, कुछ सुविधाएं। और खाने की एक बात बताऊं कि खाना मिल रहा था, फ्री मिल रहा था, सरकार मदद कर रही थी, कुछ है ज्यादा कुछ मदद नहीं हो रही थी। और आप समझ सकते हैं क्या स्थिति रही है, सब जग जाहिर है इसमें कौन सब। चलिए खैर, अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चों का भी ख्याल रखिए, क्योंकि बहुत बुरा समय है और एक परिवार के मेंबर के जाने का दुख शायद मुझे नहीं लगता है कि कोई समझ सकता है। जिस परिवार का जाता है वही समझ पाता है केवल, और तो दुनिया के लिए वो तमाशा लगता है। ठीक है, तो ख्याल रखिए अपना।